है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पॉलिटिकल लोगों को परेशान कर रही है और आदरणीय आजम खान साहब को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, उनके ऊपर जितने मुकदमे लगे बहुतों में जमानत मिली है लेकिन सभी मुकदमे झूठे और साजिश के तहत लगे हैं। कई मौकों पर कहा है हम जितने लोग खड़े हैं हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति और जो हम देखते आए अपने पूर्वजों से या सीखा है वो यही सीखा है कि भगवान सबके हैं, भगवान राम सबके हैं और भगवान राम के दर्शन के लिए मैंने अयोध्या फैजाबाद में भी कहा और आपको भी बता रहा हूँ हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे दर्शन करने। उत्तर प्रदेश में अगर सच बोल दोगे आप तो मुकदमा आप पे भी हो जाएगा, ये पुलिस वाले आपको ढूंढने लगेंगे, धाराएं लगा देंगे, ये पुलिस वाले इसी फिराक में कि कब एफआईआर लिखने का मौका मिल जाए। अगर तांडव, हालांकि हमने नहीं देखा कि कैसा क्या है लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं उनमें न जाने क्या क्या दिखाई देता है, न जाने क्या क्या सुना जाता है। हमने तो अभी तक दो ही देखे उस पे, एक तो वो प्रधानी को लेकर के आया था कुछ पंचायत, वो तो बहुत अच्छा था यार, हम तो चाहेंगे प्रधान ऐसे ही हो, इतने शरीफ अच्छे प्रधान हो। और दूसरा मिर्जापुर देखा। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर में भी भाषाएं थी खराब, ऐसी भाषा तो हम और आप सब कभी बोल ही नहीं सकते, वो चल गया। ये तांडव या इस तरह का काम सरकार, ये तांडव इसलिए कर रही है, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि उन्हें किसान का जवाब ना देना पड़ जाए। इसलिए नहीं बोलते हैं कि सर।